ओम शांति। 12 फरवरी 2024, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। और मंथन अकेले तो केवल बाबा के साथ कर सकते हैं, परंतु हम सब मिलकर के जो मंथन करते हैं उसमें हमें नई नई बातें भी समझ में आती हैं। इसके लिए जो सभी गूगल मीट पर जुड़े हुए हैं, वो सामने सुन रहे हैं, और जो चीज उन्हें समझ में नहीं आ रही, स्पष्ट नहीं हो रही, तो वे मुरली के साथ साथ पूछ सकते हैं। इतना थोड़ा ध्यान रखें कि वो मुरली से रिलेटेड बातें हों, और यदि मुरली से अलग कोई बात पूछनी है तो मुरली पूरी होने के बाद वो पूछ सकते हैं, हम आपके साथ रहेंगे। और जो YouTube पर लाइव देख रहे हैं वे भी अपनी बात, कोई भी उनके मन में उठ रही है तो वो भी उसके साथ वो नोट कर सकते हैं चैट बॉक्स में, जिसे मैं देखकर मुरली से रिलेटेड है तो मुरली के साथ उसे एक्सप्लेन करेंगे, और यदि कोई बात ऐसी है जो मुरली से अलग है तो मुरली के बाद हम उनके उत्तर देंगे। अच्छा, दोनों के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, और यदि किसी के पास लिंक यदि उपलब्ध नहीं है तो आप इस स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर देंगे तो मैं आपके पास व्हाट्सएप से लिंक भेज दूंगा, ताकि आप भी मुरली में साथ जुड़ करके मंथन करने में सहयोगी बने, साथी बने। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारे मोह की रगें अब टूट जानी चाहिए, तुम्हारी मोह की रगें अब टूट जानी चाहिए। मोह की रग का क्या मतलब होता है? क्योंकि हमारा अपने परिवार संबंध संपर्क वालों में मोह होता है, अब उसे रग के साथ क्यों जोड़ा है? रग कहा जाता है हमारे खून की नसों को। अब कोई खून की नस पतली है, कोई मोटी है, किसी के साथ हमारा मोह कम है, किसी के साथ मोह हमारा ज्यादा है, चाहे कम है या ज्यादा है, किसी भी प्रकार का यदि मोह हमारा होगा तो हम अपने आप को सफल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सारी दुनिया विनाश होनी है। जिनके साथ हमारी रग जुड़ी होगी, जिसमें हमारा मोह होगा, उसे यदि कोई भी तकलीफ होगी तो हम दुखी होंगे। दुनिया की, इस पुरानी दुनिया की किसी भी चीज में रुचि नहीं रखनी। यदि किसी चीज में रुचि होगी और वो यदि खराब हुई, वो यदि नष्ट हुई, वो हमसे अलग हुई, तो भी हमें क्या होगा? दुख होगा। अंतिम समय हो और हम दुखी हुए तो हमारी अंतमति सोगति हो जाएगी। अंत में हम एकदम न्यारे और प्यारे बन जाए, ये हमें बहुत विशेष रूप से ध्यान देना है, और ऐसा बनने के लिए ये जरूरी है हमारा किसी में भी मोह ना हो। ये देह, देह के संबंधी और देह से संबंधित वस्तुएं, किसी भी चीज में हमारा आकर्षण ना हो। प्रश्न, जिन बच्चों को रूहानी मस्ती चढ़ी रहती है उनका टाइटल क्या होगा? उनको क्या नाम दिया जाएगा? उनका टाइटल क्या होगा? मस्ती किन बच्चों को चढ़ती है? कौन से बच्चे हैं जिनको मस्ती चढ़ती है? पहला प्रश्न है, उत्तर है रूहानी मस्ती। प्रश्न है हमारा कि जिन बच्चों को रूहानी मस्ती चढ़ी रहती है उनका टाइटल क्या होगा? रूहानी मस्ती में रहने वाले बच्चों को कहा जाता है मस्त कलंदर, वह ऐसा व्यक्ति जिसे किसी भी प्रकार का प्रभाव ना पड़ता हो,
वह अपनी जीवन में इतना मस्त रहता है, चाहे कोई उसे सुख दे, चाहे उसे कोई दुख दे, चाहे किसी को कुछ भी हो, उसे उस दुनिया से कोई मतलब नहीं। जिसे हम ज्ञान की भाषा में कहेंगे साक्षी दृष्टा। साक्षी दृष्टा और मस्त कलंदर में हम थोड़ा अंतर कर सकते हैं। जो मस्त कलंदर है, हेलो, ओम शांति, मस्त कलंदर जो है वह ज्ञान का अभाव हो सकता है, परंतु साक्षी दृष्टा होने के लिए ज्ञानी तो आत्मा होना बहुत जरूरी है, तब वो साक्षी दृष्टा बन सकता है। मस्त कलंदर दुनिया में कोई अज्ञानी भी हो सकता है, पागल भी हो सकता है, दीवाना भी हो सकता है, परंतु साक्षी दृष्टा में दीवानापन है, परंतु दीवानेपन में समझ है, ज्ञान है, ज्ञान का तीसरा नेत्र है। उन्हें राजाई पने की मस्ती चढ़ी रहती है। जो वास्तव में साक्षी दृष्टा बनेंगे उन्हें हमेशा राजाई पने की मस्ती चढ़ी रहती है कि हम ही सतयुग के राजा बनने वाले हैं। बुद्धि में रहता है अभी हम फकीर से अमीर बनते हैं, अभी हम फकीर हैं और फकीर से हम क्या बनेंगे, अमीर बनेंगे। मस्ती उन्हें चढ़ती है जो रुद्र माला में पिरोने वाले हैं, क्योंकि जो रुद्र माला में शिव बाबा की श्रीमत पर चलते होंगे, रुद्र माला में पिरोए जाएंगे, उन्हें ये मस्ती बहुत अच्छी चढ़ती है। नशा उन बच्चों को रहता है जिन्हें निश्चय है कि हमें अब घर जाना है, जिन्हें नशा रहता है कि अब हमें घर जाना है, क्योंकि घर जाने का नशा भय मुक्त करता है, घर जाने का नशा संसार से विरक्ति दिलाता है। जिन्हें निश्चय है कि हमें अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है, वे हैं मस्त कलंदर, वे हैं रूहानी नशे में रहने वाले, वे हैं फरिश्ते। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से रू रिहान कर रहे हैं, रूहानी बाप रूहानी बच्चों से रू रिहान करना माना बातचीत करना। मुख्य मुख से हम देह के संबंध से बातचीत कहेंगे और आत्मा के संबंध से रू रिहान, आत्मा आत्मा से बात कर रही है। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान रूहों प्रति। परमपिता परमात्मा रूहानी ज्ञान रूहों प्रति आकर दे रहे हैं। रूह है ज्ञान का सागर, जो परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, मनुष्य कभी ज्ञान का सागर नहीं हो सकता। इस जो रूह लिखा है इसके साथ सुप्रीम लिखा जाना चाहिए था, सुप्रीम रूह है ज्ञान का सागर, बाकी जितनी भी रूहें हैं उन्हें कभी भी ज्ञान का सागर नहीं कहा जा नहीं हो सकते। मनुष्य हैं भक्ति के सागर, मनुष्य क्या करते रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं, मनुष्य हैं भक्ति के सागर। हैं तो सभी मनुष्य, जो ब्राह्मण बनते हैं वे ज्ञान सागर से ज्ञान लेकर मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। जो मनुष्य ज्ञान सागर बाप से ज्ञान लेकर मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हैं, फिर देवताओं में ना भक्ति होती है और ना ज्ञान होता है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह समझनी है। देवताओं के पास ना तो भक्ति करते हैं देवताएं और ना उनके पास ज्ञान होता है, और वे उनको हम अज्ञानी भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनके संस्कार इतने अच्छे बने होते हैं, ज्ञान युक्त बने होते हैं, वो गलतियां नहीं करते। परंतु धीरे धीरे ये भी याद रखना है कि जैसे जैसे समय बीता जाता है उनके गुण और शक्तियां खर्च होती जाती हैं, तो उनमें ज्ञान का अभाव भी होता जाता है, गुण और शक्तियों का भी अभाव होता जाता है।
और जिस अभाव के कारण उनके जीवन में अंधेरा या दुख बढ़ता जाता है, परंतु गति इतनी धीमी होती है कि सहज किसी को समझ में नहीं आता। देवताएं ये ज्ञान नहीं जानते। जो ज्ञान अब हमें संगम पर परमपिता परमात्मा द्वारा मिल रहा है, ये ज्ञान सतयुग के देवी देवताओं के पास नहीं होता है। ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परम आत्मा है। ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परम आत्मा है, इसलिए उनको ही हीरे जैसा कहेंगे, उनको कहेंगे हीरे जैसा। वही आकर कोड़ी से हीरा, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। कोड़ी से हीरा बनाते हैं और पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि, पारस बुद्धि किसे कहते हैं, पारस किसे कहते हैं, पारस किसे कहते हैं, अच्छी बुद्धि। पारस कहते हैं सोने को। सोने के पास जो पत्थर होता है वो तो हमारे पास कसौटी होती है, परंतु पारस कहा जाता है सोने को। और सोना बनाने वाले पत्थर को भी पारस कहते हैं, पारस का पत्थर, सोना बनाने वाला पत्थर। पारस बुद्धि माना ऐसी बुद्धि जिसमें कोई दोष ना हो, जिसमें कोई कमी ना हो। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं, मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं, देवता ही फिर आकर मनुष्य बनते हैं। जो सतयुग में देवी देवता थे वही आकर फिर क्या बन जाते हैं, मनुष्य बन जाते हैं। गुणों को खोकर साधारण मनुष्य बन जाते हैं। देवताएं बने श्रीमत से, देवता बनते हैं परमपिता परमात्मा द्वारा जब उनको श्रीमत मिलती है, परंतु जब तक उनके संस्कार श्रीमत के आधार से बने रहते हैं तो उनका जीवन सुखी रहता है, परंतु जैसे ही उनमें वो संस्कार कम हो जाते हैं तो वे मनुष्य या फिर कहो कि धीरे धीरे दुखी बन जाते हैं। देवताएं बने श्रीमत से, आधा कल्प वहां कोई की मत की दरकार नहीं, सतयुग में उनको किसी से भी कोई सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती, परंतु जैसे जैसे उनके जीवन में अज्ञानता का अंधेरा आता जाता है उन्हें जरूरत महसूस होने लगती है कि किसी की सलाह ली जाए। यहां तो ढेर गुरुओं की मत है, आज तो इतने गुरु है, इतने गुरु हैं जिनकी कोई गिनती नहीं कर सकते, किसकी बात को माने ये भी मानना बड़ा मुश्किल है। गुरुओं की मत लेते रहते हैं। अब बाप ने समझाया है सतगुरु की श्रीमत मिलती है, सतगुरु परमपिता परमात्मा वही एक सतगुरु है। किसी भी देहधारी को सतगुरु क्यों नहीं कह सकते, किसी भी देहधारी को सतगुरु क्यों नहीं कह सकते, किसी भी देहधारी को सतगुरु क्यों नहीं कह सकते, हाँ जी देहधारी को गुरु, देहधारी को सतगुरु क्यों नहीं कहते, क्वेश्चन तो ये है। देहधारी को परमात्मा का नहीं पता, आपको परमात्मा का पता लग गया ना, फिर आपको गुरु कह दे, हम सदगति नहीं कर सकते। सतगुरु किसी भी देहधारी को इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वे झूठी काया, झूठी माया और झूठे संसार को भोगते हैं।
जो झूठी काया, झूठी माया, झूठे संसार को भोगता है वो सत्य नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा जो अभोगता है वही केवल सत्य है, वही केवल सच्चा गुरु है। खालसे लोग कहते हैं, खालसे जमत समझते हैं, खालसा किसे बोलते हैं? हाँ जी, किसको? पवित्र को, सिख, पवित्र को। खालसा कहा जाता है पवित्र को, शुद्ध को, खालिस दूध, खालिस घी, जिसमें कोई मिलावट ना हो। तो इसलिए गुरु ग्रंथ साहब में ये लाइन आई कि राज करेगा खालसा और करे ना कोई, और करे ना कोई। जो खालसा होगा, जो पवित्र होगा, वही राज्य करेगा। स्वर्ग में पवित्र ही राज्य कर सकता है। खालसे लोग कहते हैं, परंतु दुनिया वाले सरदार को खालसा कह देते। सरदार जी भी नहीं जानते कि खालसा किसे कहते हैं। कहते हैं सत गुरु अकाल, सत श्री अकाल। सच्चा गुरु जो है वो अकाल मूरत है, उसका भी अर्थ नहीं जानते। कितनी कमाल की बात है कि वो गाते हैं सत श्री अकाल रोजाना बोलते हैं, परंतु सत श्री अकाल का अर्थ क्या है ये भी नहीं जानते। सत्य है जो श्रेष्ठ है, वो कभी उसका अकाल नहीं आता। वो कभी भी काल उसका आएगा जो भोगता होगा। जो अभोगता है उसका काल आ नहीं सकता। जो अजर अमर अविनाशी है उसका कभी काल आ नहीं सकता। इसका भी अर्थ नहीं जानते। पुकारते भी हैं सत गुरु अकाल मूरत, अर्थात सदगति करने वाला। सत गुरु अकाल मूरत अर्थात सदगति करने वाला अकाल मूरत। अकाल मूरत परम पिता परम आत्मा को ही कहा जाता है। अकाल मूरत परम पिता परम आत्मा को ही कहा जाता है। सतगुरु और गुरु में भी रात दिन का फर्क है। सतगुरु में और गुरु में रात दिन का फर्क है। कौन सा फर्क हो गया? वो अभोक्ता और वो भोक्ता। वो जन्म मरण के चक्कर में आता, वो अजन्मा। वो शरीरधारी, वो अशरीरी। जो मनुष्य में और परमात्मा में अंतर है, वही अंतर हमने बताना है। मतलब गुरु और सतगुरु में कोई भी देहधारी गुरु हो सकता है। वो अपने सब्जेक्ट का ज्ञान दे सकता है। वो अपनी कोई कला, अपना कोई हुनर, अपनी कोई विशेषता, कोई योग्य योग्यता वो दूसरों को बांट सकता है, परंतु वो कभी किसी को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं दे सकता। यदि उसे मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता मालूम होता तो वो खुद अपने आप को मुक्त कर चुका होता। तो वह ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कह देते हैं। ब्रह्मा का दिन कब होता है? सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात। और तो जरूर कहेंगे ब्रह्मा पुनर्जन्म लेते हैं। हमारे जो धर्म शास्त्र हैं उनके अनुसार ये है कि जब ब्रह्मा 100 वर्ष पूरे कर लेता है, 100 वर्ष पूरे कर लेता है। ब्रह्मा के 100 वर्ष कितने समय में पूरे होते हैं, याद है कि भूल गए? ब्रह्मा का एक दिन कितने वर्ष का होता है, याद है या भूल गए? भूल गए भाई, भूल गए। देखो यह है देवताओं की कालगणना का चार्ट। आप इसमें देख सकते हैं कि एक मानव वर्ष एक दिव्य दिन के बराबर होता है और 30 दिव्य वर्ष एक दिव्य मास के बराबर, देवताओं का एक महीना, और 12 दिव्य मास एक दिव्य वर्ष के बराबर होता है, और दिव्य जीवन काल ब्रह्मा का 100 दिव्य वर्ष के बराबर, 36,000 मानव वर्ष के बराबर होता है।
तो ये जल ये गणना हमारे शास्त्रों में ब्रह्मा के 100 वर्ष के लिए लिखी हुई है। अब हम ध्यान से देखेंगे एक कल्प में कितने दिन होते हैं। यहां पर हमें दिखाया है कि एक कल्प में कितने दिन होते हैं, इसे सुनेरों के वेद व पुराण के अनुसार, हिंदू पुराण के अनुसार ब्रह्मांड की सृजन क्रमिक रूप से सृष्टि के ईश्वर ब्रह्मा द्वारा होता है, जिसका जीवन 100 ब्रह्म वर्ष होते हैं। एक ब्रह्मा का दिन और एक ब्रह्मा की रात एक कल्प होता है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात क्या होता है, एक कल्प। सतयुग त्रेता दिन और द्वापर कलयुग रात होती है। उसके बाद यह हमें दिखाया है कि किस प्रकार से ये गणना होती है, तो हम ध्यान से देख रहे हैं इसको कि कलयुग की आयु है 1200 को 360 से गुणा कर दो। कलयुग की आयु कितनी है, 1200 को 360 से गुणा कर दो तो क्या हो जाता है, कलयुग की आयु, कलयुग की आयु 432,000 साल, द्वापर की आयु 864,000 साल और त्रेता की आयु 12,96,000 साल और सतयुग की आयु। त्रेता की आयु में दो मत हैं, एक कहते हैं 12,96,000 साल और दूसरे कहते हैं नहीं 17,28,000 साल। तो इस प्रकार से सतयुग की आयु के लिए भी मत भेद है और त्रेता सतयुग की आयु के लिए कहते हैं कि अपना 17,28,000 साल और कुछ कहते हैं 34,56,000 साल। तो इसके बाद हम देखते हैं कि यदि इनको हम करें तो हमारे पास आ जाता है ये ब्रह्मा का दिन और रात। तो सारे कल्प को जमा करें तो 43,20,000 साल का ब्रह्मा का एक दिन होता है और ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है, तो 360 से गुणा किया, फिर उसको 100 से गुणा करेंगे, उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि एक दिन के बाद, इतने दिनों के बाद हमारा ब्रह्मा का एक दिन खत्म होगा और इतने सालों के बाद ब्रह्मा का आयु पूरी हो जाएगी। जब पृथ्वी चक्कर लगाते लगाते 36,000 बार चक्कर लगा चुकेगी तो ब्रह्मा मर जाएगा। दुनिया के शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा मर जाएगा, फिर परमात्मा एक नए ब्रह्मा की रचना करेंगे। तो महाप्रलय होती है, अभी हर कल्प के बाद उनके अनुसार प्रलय होती है और उसके बाद क्या होता है, महाप्रलय, और महाप्रलय के बाद एक ब्रह्मा खत्म हो जाता है, फिर नया ब्रह्मा बनता है। तो ब्रह्मा का दिन रात, और इसलिए तो जरूर कहेंगे ब्रह्मा पुनर्जन्म लेते हैं, तो इससे पता लगता है कि उनकी बात में भी वो कितने भी लंबे चक्र बना ले परंतु उनके बाद भी ये आता है कि ब्रह्मा जन्म लेता है। ब्रह्मा सो ये देवता विष्णु बनते हैं, मतलब ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। तो शिव बाबा की महिमा करते हैं, तो किसकी महिमा करते हैं, शिव बाबा की महिमा करते हो, उनका हीरे जैसा जन्म है। शिव बाबा का जो ये जन्म है ये हीरे जैसा जन्म है। इसको हीरे जैसा क्यों कहेंगे, शिव बाबा का जन्म हीरे जैसा क्यों कहेंगे, क्योंकि सबसे टॉप महंगा कीमती क्या होता है, हीरा। जो चीज दुर्लभ होती है उसकी उतनी ज्यादा कीमत होती है। सबसे दुर्लभ क्या है, सबसे दुर्लभ कौन है, सबसे दुर्लभ कौन है भाई, सबसे दुर्लभ, दुर्लभ मतलब कीमती, कीमती जो आसानी से ना मिलता हो, कौन है, शिव बाबा। हाँ, शिव बाबा सबसे दुर्लभ है। बाकी दुनिया की चीजों में दुर्लभ हीरा है और दूसरी भी कोई ना कोई धातु,
दुनिया में और भी धातु हो सकती है, परंतु सबसे दुर्लभ शिव बाबा है, क्योंकि वो किसी को जल्दी से मिलता नहीं, मिलता है तो सिर्फ संगम पर, वो भी 100 वर्ष के लिए। अभी तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पावन बनते हो, तुम्हें पवित्र बन फिर ये ज्ञान धारण करना है। हां जी, आवाज नहीं आ रही? बिल्कुल कम आ रही है, आवाज बिल्कुल कम आ रही है। अभी अब आ रही है? आवाज आ रही है अब कि नहीं आ रही? भाई पहले से कम है, बहुत ज्यादा कम हो गई। पहले से कम हो गई है, अभी फर्क पड़ा? आवाज ठीक आ रही है। चलो इनको लग रहा है तो मैं एक दूसरा माइक लगा देता हूँ। आवाज ठीक है आपका? वो माइक तो नहीं हट गया? ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर ये ज्ञान धारण करना है, तुम पवित्र बन फिर ये ज्ञान धारण करना है। कुमारियों को तो कोई बंधन नहीं, कुमारियों को तो कोई बंधन नहीं है, उन्हें सिर्फ मां बाप व भाई बहन की स्मृति रहेगी, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई है, उन्हें परिवार का दूसरा झमेला नहीं है। जैसे ही शादी हुई तो फिर ससुर घर जाने से दो परिवार हो जाते हैं, इधर के भी परिवार का झमेला और उधर के भी परिवार का झमेला। अब बाप तुमको कहते हैं अशरीरी बन जाओ, अशरीरी बन जाना माना अपने आप को समझ लो कि आप आत्मा हो, आप ये शरीर हो ही नहीं। अब तुम सबको वापस घर जाना है, अब तुम सबको वापस घर जाना है। तुमको पवित्र बनने की युक्ति भी बताता हूं। पतित पावन मैं ही हूं, पतित पावन मैं ही हूं, मैं गारंटी करता हूं तुम मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। जैसे पुराना योग, पुराना सोना आग में डालने से उनसे खाद निकल जाती है, उसमें क्या होता है, खाद जो होती है, जो भी कमी होती है वो कमी निकल जाती है। जैसे पुराना सोना आग में डालने से उनसे खाद निकल जाती है, सिर्फ सच्चा सोना रह जाता है। ये भी योग अग्नि है, ये भी क्या है, योग अग्नि है। इस संगम पर ही बाबा सा ये राज योग सिखाते हैं, ये संगम पर ही बाबा आकर क्या करते हैं, राज योग सिखाते हैं। इसलिए उनको बहुत महिमा है, उनकी क्या है, बहुत महिमा है। राजयोग जो भगवान ने सिखाया था वे सब सीखना चाहते हैं, जो राजयोग शिव बाबा ने सिखाया था उसे सब सीखना चाहते हैं। विलायत से भी सन्यासी लोग बहुतों को ले आते हैं, वो समझते हैं इन्होंने सन्यास किया है, अब सन्यासी तो तुम भी हो, परंतु बेहद कासके सन्यास का कोई भी जानते नहीं। दुनिया वाले बेहद के सन्यास को नहीं जानते, वो तो खुद करते हैं हद का सन्यास, दो चार के परिवार को छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। परंतु हमने करना है बेहद का सन्यास, रहते हुए परिवार के साथ हमने परिवार को भूल जाना है,
परिवार के संबंध को भूल जाना है, अब हमें अलौकिक पारलौकिक संबंध में रहना है। कि ये अलौकिक हो गया हम भाई बहन हैं, और पारलौकिक हो गया हम भाई भाई हैं। इस संबंध में हमें रहना है। अब इसको दुनिया वाले तो जानते नहीं, बेहद का सन्यास तो एक बाप ही आकर सिखलाता है, ऐसा सन्यास दुनिया में कोई भी सिखला नहीं सकते। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इस दुनिया की कोई भी चीज में हमारी रुचि नहीं रहती, दुनिया की कोई भी चीज में हमारी रुचि नहीं रहती। फलाने ने शरीर छोड़ा और जाकर दूसरा लिया पार्ट बजाने के लिए, फिर हम फिर रोए क्यों, हम क्यों रोए, उस आत्मा ने शरीर को छोड़ा और जाकर दूसरी जगह पार्ट बजा रहा है, फिर रोए क्यों। मोह की रग निकल जानी चाहिए, मोह की रग निकल जानी चाहिए, जरा भी किसी में ममत्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें सच समझ में आ गया है, अब उस सच का अनुभवी बनना है। अब नई दुनिया से ऐसे बच्चे पक्के मस्त कलंदर होते हैं, नई दुनिया के ऐसे बच्चे क्या होते हैं, मस्त कलंगीधर होते हैं। ये कलंगीधर शब्द समझाए, कलंगीधर किसे कहते हैं, जिस पर कलंक लगते हैं। और एक कलगीधर होता है, जैसे मुर्गे की कलगी होती है ताज, ठीक है नहीं, तो जो बच्चे ताजधारी होते हैं वो फिर कलंक भी उनको लगते हैं। कलंगीधर माना कलंक लगने वाले, कलगीधर माना ताज वाले। तो जो मस्त कलंगीधर होते हैं, कोई कितना भी कोई दोष लगाता रहे, अपराध लगाता रहे, पाप लगाता रहे, लगाता रहे, परंतु वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, जो भी है सब कुछ ठीक है। तुम्हारे में रजाई पने की मस्ती है, क्योंकि कलगीधर रजाई का भी है, तुम्हारे में अपनी मस्ती है। जैसे दीवाना होता है उसे अपनी एक मस्ती होती है, ऐसे ही तुम्हारे में भी राजाई पने की मस्ती है कि हम सतयुग के राजा बनेंगे। बाबा में भी मस्ती थी, मस्ती है ना ब्रह्मा बाबा में, हम ये कलंगीधर जाकर बनेंगे, फकीर से अमीर बनेंगे, हमारे भी सिर पर क्या होगा, ताज होगा, हम भी जाकर के क्या बनेंगे, फकीर से अमीर बनेंगे, राजा बनेंगे। अंदर में मस्ती चढ़ी हुई है, अंदर में मस्ती चढ़ी हुई है, इसलिए मस्त कलंदर कहते हैं। इनको तो साक्षात्कार भी करते हैं, तो जैसे इनको मस्ती चढ़ी हुई है तुमको भी चढ़नी चाहिए। ब्रह्मा बाबा को मस्ती चढ़ी हुई है तो बाबा कहते तुमको भी मस्ती चढ़नी चाहिए। तुम भी रुद्र माला में पिरोने वाले हो, रुद्र माला माना शिव बाबा के गले की माला, शिव बाबा के गले की माला तो सभी आत्माएं बनेंगी। जिनको पक्का निश्चय हो जाता है उनको नशा चढ़ता है, एक होती है रुद्र माला, दूसरी होती है वैजयंती माला। शिव के गले में तो सभी माला सभी जीव आत्मा सॉरी आत्माएं पिरोई जाएंगी, परंतु वैजयंती माला में वो आत्माएं आती हैं जो विजय को प्राप्त करती हैं, 100% सफलता प्राप्त करती हैं, वो विजय माला में आती हैं, वो 108 आत्माएं जो टॉप में 100% पास होती हैं। जिनको पक्का पक्का निश्चय हो जाता है उनको नशा चढ़ेगा, हम आत्माओं को अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आएंगे, अब घर जाएंगे और फिर नई दुनिया में आएंगे। इस निश्चय से जो इनको भी देखते हैं तो उनको बच्चा श्री कृष्ण देखने में आता है, मतलब ब्रह्मा बाबा को जो देखते थे तो ब्रह्मा बाबा में उनको कौन दिखाई देता था, श्री कृष्ण देखने में आता था।
मतलब ब्रह्मा बाबा दिखाई नहीं देता था, श्री कृष्ण दिखाई देता था। कितना शोभनीक है, श्री कृष्ण तो यहां है नहीं और उनके पिछाड़ी कितने हैरान होते हैं। श्री कृष्ण के पीछे दुनिया देखो कितनी हैरान होती है, भटकती फिरती है, झूले बनाते हैं, दूध पिलाते हैं, टोकरियों में उठा उठा के घूमते हैं। जड़ चित्र ये तो रियल है ना, वो तो जड़ चित्र उठा के घूमते हैं, परंतु ये तो रियल है ना। इनको भी ये निश्चय है कि हम बालक बनेंगे, इनको भी ये निश्चय है कि हम क्या बनेंगे, बालक बनेंगे। तुम बच्चियां भी दिव्य दृष्टि में छोटा बच्चा देखती हो, इन आंखों से तो देख ना सके, इन आंखों से तो देख ना सके। वो दिव्य दृष्टि से देख के आती हैं। आत्मा को जब दिव्य दृष्टि मिलती है, ईश्वरीय समझ मिलती है, तो शरीर का भान नहीं रहता। उस समय अपने को महारानी और उनको बच्चा समझेंगे। ये साक्षात्कार भी इस समय बहुतों को होता है। सफेद पोशधारी का भी साक्षात्कार बहुतों को होता है। फिर उनको कहते हैं तुम इनके पास जाओ, मतलब बाबा मतलब सूक्ष्म मनसा सेवा के द्वारा उन आत्माओं को जाकर साक्षात्कार कराते थे, उनको दिखाते थे कि भी इस ब्रह्मा कुमारी में जाओ, ज्ञान लो, तो ऐसा प्रिंस बनेंगे। ये जादूगरी ठहरी ना। सोदा भी बहुत अच्छा करते हैं, मतलब ब्रह्मा बाबा सबको मनसा सेवा करके पकड़ के लाते थे और उन्हें प्रेरणा मिलती थी कि हमें ऐसा बनना है। कोड़ी लेकर हीरे हीरा मोती देते हैं, हीरे जैसा तुम बनते हो। कोड़ी लेकर हीरा मोती देते हैं, हीरे जैसा तुम बनते हो। बाबा क्या लेते हैं, कोड़ी, और बनाते क्या हैं, हीरा मोती। और हीरे जैसे तुम बनते हो, तुमको शिव बाबा हीरे जैसा बनाते हैं, इसलिए बलिहारी किस पर जाए, बनाने वाले पर या बनने वाले पर, बनाने वाले पर। इसलिए बलिहारी उनकी है, मनुष्य ना समझने कारण जादू जादू कह देते हैं। ब्रह्मा कुमारीज में जादू है, उधर नहीं जाना। जो आश्चर्यवत भगंती हो जाते, बाबा का ज्ञान सुनते हुए सुनाते हुए और पता ही नहीं चलता कि छोड़कर चले जाते हैं। वे जाकर उल्टा सुल्टा सुनाते हैं। अब ज्ञान को छोड़कर जाएंगे और यहां तो कहते थे कि भगवान पढ़ाते हैं, अब जाकर कहते हैं कि तुम तो भगवान के पास पढ़ने जाते थे, अब क्या हुआ, तो फिर वो उल्टी सुल्टी बातें सुनाते हैं। ऐसे बहुत ट्रेटर बन जाते हैं, बहुत ट्रेटर बन जाते हैं। ऐसे ट्रेटर बनने वाले ऊंच पद पा नहीं सकते। जो ऐसे ट्रेटर बनेंगे वे ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। उनको कहा जाता है गुरु का निंदक ठोर ना पाए। जो गुरु की निंदा करने वाले काम करते हैं उन्हें ठोर नहीं मिल सकता। यहां तो सत्य बाप है ना, ये भी अभी तुम समझते हो। मनुष्य तो कह देते हैं, क्या कहते हैं, वो युगे युगे आता है। तो बाबा कहते हैं अच्छा मैं हर युग में आता हूं, तो चार युग हैं, तो मैं चार बार आऊं। फिर तुमने 24 अवतार कैसे लिख दिए, कैसे कह सकते हो। और फिर कहते हैं भगवान ठिकर भीतर में है, कण कण में है परमात्मा। तो सब परमात्मा हो गए, सब में परमात्मा है, तो सब परमात्मा हो गए। बाप कहते हैं मैं कोड़ी से हीरा बनाने वाला हूं। शिव बाबा कहते
मैं कौड़ी से हीरा बनाने वाला मुझे फिर ठिककर भीतर में ठोक दिया है। सर्वव्यापी है गोया, सब में है, फिर तो कोई वैल्यू ना रही। वैल्यू कब होती है? पहले बताया, वैल्यू तब होती है जब कोई रेयर हो, और जो बहुत दुर्लभ हो, जो ना मिलता हो, वो सबसे क्या हो जाता है? वैल्यूएबल हो जाता है। तो शिव बाबा ही एक है जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है। मेरा कैसे अपकार करते हैं बाबा कहते, यह भी ड्रामा में नूंद है। जब ऐसे बन जाते हैं तब फिर हां बाप आकर उपकार करते हैं, तब फिर बाप आकर उपकार करते हैं। अर्थात मनुष्य को देवता बनाते हैं, मनुष्य को क्या बनाते हैं? देवता बनाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होगी, सारे संसार का इतिहास भूगोल हर 5000 साल बाद जैसे रिपीट होता है ऐसे अब भी रिपीट होगा। सत्युग में फिर ये लक्ष्मी नारायण ही आएंगे। सत्युग में फिर से किनका राज्य हो जाएगा? लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। वहां सिर्फ भारत ही होता है। शुरू में बहुत थोड़े देवताएं होंगे, फिर वृद्धि को पाते पाते 5000 वर्ष में कितने हो गए? 5000 साल के अंदर कितने हो गए? अभी ये ज्ञान और कोई की बुद्धि में है नहीं। बाकी है भक्ति। देवताओं के चित्रों की महिमा गाते हैं, देवताओं के चित्रों की महिमा गाते हैं, ये नहीं समझते कि ये चैतन्य में थे। मतलब ये नहीं समझते कि ये देवी देवता कभी चैतन्य में थे, बस ये समझते हैं कि हमने इन मूर्तियों की क्या करनी है? चित्रों की पूजा करनी है। और ये भी नहीं जानते कि वो है कहां। उनको भी तमो प्रधान बन फिर सतो प्रधान बनना है, उन्हें भी क्या है? तमो प्रधान बनकर फिर सतो प्रधान बनना है। ये कोई की बुद्धि में नहीं आता, ये उनकी बुद्धि में नहीं आता कि हम अब फिर पुरुषार्थ करें, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, ये उनको कभी भी ख्याल नहीं आता है। तमो प्रधान बुद्धि को फिर सतो प्रधान बनाना ये बाप का ही काम है। ये लक्ष्मी नारायण जो पास्ट हो गए इसलिए इनों की महिमा है। ऊंचे थे, ऊंचा एक भगवान ही है, बाकी तो सब पुनर्जन्म लेते हैं। ऊंचे थे, ऊंचा बाप ही सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं, सबको मुक्ति भी देते हैं और सबको क्या देते हैं? जीवन मुक्ति। चाहे कोई भी हो, हर आत्मा को बाबा आकर मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। ये देते शब्द को हम चेंज कर सकते हैं कि रहने दे? देने की युक्ति बताते हैं, देते नहीं। हर एक अपने पुरुषार्थ अनुसार इसको प्राप्त करते हैं। हर एक आत्मा अपने पुरुषार्थ अनुसार अपनी मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करती है। वे ना आते तो और ही वर्थ नॉट ए पैनी, वर्थ नॉट ए पैनी खोटे सिक्के बन जाते हैं, जिनकी कोई कीमत नहीं रहती। बाप आकर खोटे सिक्के से वर्थ पाउंड बनाते हैं। अब सारी दुनिया तमो प्रधान बन पड़ते हैं। अब ये राज्य करते थे तो वर्थ पाउंड थे, जब इनका राज्य था तो इनकी कीमत पूरी थी। अब जब वहां कोई पूजा आदि नहीं करते, सत्युग में कोई भी पूजा आदि नहीं करते थे, पूज्य देवी देवताएं ही अब क्या बन गए?
पुजारी बन गए। कब पुजारी बने? जब वाम मार्ग में विकारी बनते हैं, जब वाम मार्ग में आकर विकारी बन पड़े। ये किसी को भी पता नहीं कि ये संपूर्ण निर्विकारी थे, जिनकी मूर्तियां हमारे सामने रखी हैं चैतन्य में, ये संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम ब्राह्मणों में भी जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बन गए हैं, उनमें भी ये बातें नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। सब एक जैसा नहीं समझते, खुद ही पूरा नहीं समझा होगा तो औरों को क्या समझाएगा। नाम है ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। समझा ना सके तो क्या करते हैं वो, फायदा करते हैं कि नुकसान करते हैं? तो वो नुकसान कर देते हैं, फायदे की जगह पर क्या कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं। इसलिए कहना चाहिए, हम बड़ी बहन को बुलाते हैं, तुम्हें नहीं आता तो उसे जवाब गलत मत दो, सीधा सा कह दो कि हम बड़ी बहन को बुलाते हैं, वो आपको समझाएंगे। भारत ही हीरे जैसा था, अब कोड़ी जैसा है, बगैर भारत को सिरताज कौन बनाएगा? ये भारत जो बिल्कुल बगैर बन गया है, जिसके पास कुछ भी नहीं रहा, भारत को सिरताज फिर कौन बनाए? लक्ष्मी नारायण अब कहां है? लक्ष्मी नारायण अब कहां है? हिसाब बताओ, बाबा पूछते हिसाब बताओ कि लक्ष्मी नारायण अब कहां है, हिसाब बताओ। कोई बता नहीं सकता कि लक्ष्मी नारायण कहां है, सिवाय बाबा के बच्चों के। बाबा के बच्चे बताएंगे कि लक्ष्मी नारायण कहां है? लक्ष्मी नारायण कहां है इस समय? वो मुरली सुन रहे हैं? नहीं, सारे लक्ष्मी नारायण मुरली नहीं सुन रहे, सिर्फ कुछ ही लक्ष्मी नारायण मुरली सुन रहे हैं। जो एक्चुअल में लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, वो क्योंकि जन्म ले लिया, वो ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाकर मुरली नहीं सुनते। जो बाकी प्रजा में राजा बनने में दूसरे पदों में आने वाले हैं, वो अभी मुरली सुन रहे हैं। वे हैं भक्ति, बता नहीं सकेंगे, वे हैं भक्ति के सागर। दुनिया वाले सब क्या हैं? भक्ति के सागर हैं। वही नशा चढ़ा हुआ है, तुम हो ज्ञान सागर। वे तो शास्त्रों को ही ज्ञान समझते हैं, वो तो समझते हैं शास्त्रों को पढ़ना ही ज्ञान है। बाप कहते हैं शास्त्रों में है भक्ति की रसम रिवाज, जितनी तुम्हारे में ज्ञान की ताकत भरती जाएगी तो तुम चुंबक बन जाएंगे, तो फिर सबको कशिश होगी, खींच होगी कि हम ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाएं। अभी नहीं है, फिर भी यथा योग यथा शक्ति जितना बाप को याद करते हैं, ऐसे नहीं सदैव बाप को याद करते हैं, ऐसे नहीं है, कोई भी सदैव बाप को याद नहीं करते, सदा बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते, कभी चलेंगे बीच बीच में से थोड़ा रुक जाएंगे। बाप को याद, सदैव बाप को याद करते हैं ऐसा नहीं है, फिर तो ये शरीर भी ना रहे। अभी तो बहुतों को पैगाम देना है, पैगंबर बनना है, तुम बच्चे ही पैगंबर बनते हो और कोई नहीं बनते। कितनी कमाल की बात है कि और कोई भी पैगंबर नहीं बनते हैं, तुम पैगंबर बनते हो। क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया और तो कुछ नहीं किया, क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, उसने तो और
कुछ नहीं किया। वे किसके शरीर में आया, फिर उनके पीछे दूसरे आते हैं। यहां तो ये राजधानी स्थापन हो रही है। शिव बाबा कहते यहां तो ये राजधानी स्थापन हो रही है। आगे चल, तुम सबको साक्षात्कार होगा, हम क्या क्या बनेंगे। सबको साक्षात्कार होगा कि हम क्या क्या बनेंगे, सबको पता लगता जाएगा। ये हमने विकर्म किए, विकर्म माना पाप कर्म, देह समझ कर किए गए कर्म, पाप कर्म हमने किए हैं। साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती। साक्षात्कार होना माना समझ में आ जाना, समझ में आने में देरी नहीं लगती। काशी कलवट खाते थे, एकदम खड़ा होकर कुएं में कूद पड़ते थे। अभी तो गवर्नमेंट ने बंद करा दिए, अभी तो कुएं क्या किए, गवर्नमेंट ने बंद करा दिए हैं। वे समझते हैं हम मुक्ति को पाएंगे। कुएं बने हुए थे काशी में, वाराणसी के अंदर, जिनमें वो आकर खड़े होकर सबसे छुट्टी लेकर सबके सामने पूजन वंदना सब कुछ प्रार्थना वगैरह गीत गा के बस फिर सबसे छुट्टी लेकर कूद पड़ते थे। और शरीर आरों के द्वारा टुकड़े टुकड़े हो जाता था और वो समझते थे अब हम शिव पर कुर्बान हो गए, हमें मुक्ति को पाएंगे। बाप कहते हैं मुक्ति तो कोई को नहीं हो सकती, कोई नहीं पा सकता थोड़े टाइम में, क्योंकि वो कुछ ही सेकंड्स का खेल होता है जिसमें सब जन्मों का दंड मिल जाता है। वो समझते थे कि हम जब कूदेंगे तो जो हमने पाप किए हैं उनकी जो सजा है वो हमें मिल जाती है। फिर नए सिर हिसाब किताब शुरू होता है। परंतु बाबा कहते वापस तो कोई जा नहीं सकता, वापस तो कोई जा नहीं सकता, कहां जाकर रहेंगे। आत्माओं का सिजरा ही बिगड़ जाए, आत्माओं का सिजरा ही बिगड़ जाए, नंबर वार आएंगे फिर जाएंगे। बच्चों को साक्षात्कार होता है तब ये चित्र आदि बनाते हैं। बाबा बच्चों को साक्षात्कार कराते हैं जिसके बाद ये सारे चित्र बनते हैं। तब ये चित्र आदि बनाते हैं जो साक्षात्कार करके आते हैं, साक्षात्कार करके आते हैं। 84 जन्मों के सारे सृष्टि के चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको मिला है। फिर तुम्हारे में भी नंबर वार है ना, तुम्हारे में भी क्या है, नंबर वार है। कोई बहुत मार्क्स से पास होते हैं, कोई कम नंबर से पास होते हैं। 100 मार्क्स तो किसी की होती नहीं, सीधा डिक्लेयर कर दिया, 100 नंबर तो किसी के होते ही नहीं है। एक बाप की 100 है ही, एक बाप की, कौन सा बाप, ब्रह्मा बाप। वे तो कोई बन ना सके, ब्रह्मा की सीट तो कोई ले नहीं सकता। थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ जाता है, एक जैसे भी बन ना सके, कितने ढेर मनुष्य हैं, सब के फीचर्स अपने अपने, एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से, एक आत्मा ना मिले दूसरे से। आत्माएं सभी कितनी छोटी बिंदु हैं, कितनी छोटी बिंदु हैं, मनुष्य कितने बड़े बड़े हैं, परंतु फीचर्स एक के ना मिले दूसरे से। जितनी आत्माएं हैं उतनी ही फिर होंगी,
तब तो वहां घर में रहेंगी। ये भी ड्रामा अनुसार बना हुआ है, ये भी ड्रामा अनुसार बना हुआ है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं हो सकता, इसमें कुछ भी फर्क नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए, जैसा ड्रामा बन चुका है वो बना बनाया है, एक बार जो शूटिंग हुई वही फिर देखेंगे। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी हम ऐसे मिले थे, एक सेकंड भी कम या अधिक नहीं हो सकता, एक सेकंड भी कम या अधिक नहीं हो सकता। ड्रामा है ना, ड्रामा है ना, जिसको यह रचता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है उनको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। रचना और रचता, रचता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है उनको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। बाप से ही ये ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलती है, मनुष्य मनुष्य को ये ज्ञान दे ना सके, मनुष्य मनुष्य को ये ज्ञान नहीं दे सके। भक्ति सिखलाते हैं, मनुष्य ज्ञान सिखलाते हैं, एक बाप है, एक बाप है जो ज्ञान सिखलाता है। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है, फिर हम सब कौन है, फिर तुम हो ज्ञान नदियां। ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों से ही मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। ये तो है पानी की नदियां, पानी तो सदैव है ही, ये नहीं क्या अब है, सतयुग में जितना पानी था आज भी उतना पानी है, परंतु आज उसमें पॉल्यूशन हो गया है, परंतु सतयुग में पॉल्यूशन नहीं होता। पानी की नदियां तो भारत में बहती ही हैं, बाकी तो इतने सब शहर खत्म हो जाएंगे, जितने ये शहर दुनिया में बने हुए हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। खंड ही नहीं रहते, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी खंड हो गए हैं कोई भी खंड नहीं रहता। बरसात तो पड़ती होगी, पानी पानी में जाकर पड़ता है, यही भारत होगा। अभी तुमको सारी नॉलेज मिलती है, ये है ज्ञान, बाकी है भक्ति। हीरे जैसा एक ही शिव बाबा है, हीरे जैसा एक ही शिव बाबा है जिसकी जयंती मनाते रहते हैं, जिसकी जयंती मनाते रहते हैं। पूछना चाहिए सभी भाई बहनों से, पूछना चाहिए शिव बाबा ने क्या किया, शिव बाबा ने क्या किया जो वे देवता बन गया। वे तो आकर पतितों को पावन बनाते हैं, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, तब गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेरा विनाश। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात होती है, ज्ञान से होता है दिन और भक्ति से हो जाती है रात। अब तुम जानते हो हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब बाबा को याद करने से पावन बन जाएंगे, फिर शरीर भी पावन मिलेगा। हम आत्मा पावन बनेंगी तो हमारा शरीर भी पावन
बनेगा। तुम सब नंबर वार पावन बनते हो, कितनी सहज बात है। मुख्य बात है याद की, मुख्य बात है याद की। क्या मतलब याद का, क्या मतलब लेंगे हम? मुख्य बात है याद की, किसमें याद की बात है ये? तुम सब, हाँ तुम सब नंबर वार पावन बनते हो, क्यों? कितनी सहज बात है, मुख्य बात है कितना हम बाबा की श्री मत पर चलते हैं। जितना जितना हम बाबा की श्री मत पर चलेंगे उतना हम पावन बनेंगे। बहुत हैं जिन्हें अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना भी नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना नहीं आता है, फिर भी बच्चे बने हैं, फिर भी बच्चे बने हैं तो स्वर्ग में जरूर जाएंगे, स्वर्ग में तो जरूर जाएंगे। इस समय पुरुषार्थ अनुसार ही राजाई स्थापन होती है, जो जितना पुरुषार्थ करते हैं वैसी उनको राजाई मिल जाती है। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर एक, सदा इसी नशे में रहना है कि हम मास्टर ज्ञान सागर, हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। शिव बाबा ज्ञान का सागर, स्वयं में ज्ञान की ताकत भरकर चुंबक बनना है, रूहानी पैगंबर बनना है। कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिससे सतगुरु बाप का नाम बदनाम हो। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी रोना नहीं, कभी भी रोना नहीं है। अब हम बड़े बच्चे हो गए हैं, हम कोई रोएंगे? यदि दुख की फीलिंग भी आई तो वो भी रोना है। आंखों से आंसू आना रोना नहीं है, दुख की फीलिंग भी आई तो भी रोए, गुस्सा आया तो भी रोए, भय लगा तो भी रोए, कोई भी विकार माना रोना। विकार रावण को कहा जाता है, रावण रुलाने वाला है, तो सभी विकार रुलाने वाले हैं। तो जब विकार कोई भी आया, चाहे लोभ हो चाहे मोह हो, कोई भी लोभ विकार आया तो इसका मतलब है रो रहे हो। बड़ा टेढ़ा काम है भाई, कहां एडमिशन ले लिया, क्या सोच करके एडमिशन लिया था भाई? ये कोई भी विकार आने नहीं देगा, तभी हम निर्विकारी दुनिया के जाने के लायक बनेंगे। सत्यता के फाउंडेशन द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले सत्यवादी भाव। सत्यता का फाउंडेशन क्या है? सत्यता का फाउंडेशन, पहली सत्यता है कि मैं आत्मा हूं। यही फाउंडेशन, यदि यही सच यदि हमारे जीवन में पूरा नहीं तो आधार कमजोर है, तो सारा महल भी कमजोर हो जाएगा। फाउंडेशन द्वारा जब हम आत्मा समझ कर चलेंगे तो चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले
सत्यवादी भव, सत्यवादी सच बोलने वाले बनो। दुनिया में अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहती व समझती हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। जितना पवित्रता होगी उतना सत्यता होगी। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता नहीं रह सकती। सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता, और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण है, प्रैक्टिकल सबूत है चेहरे और चलन में दिव्यता। चेहरे और चलन में दिव्यता होगी। पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज होता है। स्वतः होता है, अपने आप होता है और सहज होता है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब कहेंगे संपूर्ण सत्यवादी, अर्थात दिव्यता संपन्न, दिव्य गुणों से संपन्न देवी देवता। स्लोगन है, बेहद की सेवा में बिजी रहो। बेहद की सेवा, सारे ब्रह्मांड की, सारे विश्व की आत्माओं की सेवा में बिजी रहो तो बेहद का वैराग्य स्वतः अपने आप आ जाएगा। उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।